नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। चुनाव आयोग ने तो अभी मध्य प्रदेश चुनावों की डेट तय नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को प्रियंका गांधी ने जबलपुर में आकर नर्मदा मैया की आरती करके पूजा अर्चना करके विधिवत तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत 125 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। और दोनों ही पार्टियों का जो चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत जबलपुर से हुई है। तो सवाल आज ये है कि फिलहाल किसका पलड़ा भारी है और क्या जो ये लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है? और सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने आज हनुमान जी की गदा का सहारा लिया है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर काशीनाथ जी, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर पंकज शाह जी, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रविंद्र दुबे जी और हमारे सहयोगी धीरज शाह जी। सबसे पहले काशीनाथ जी, आपसे सवाल है कि प्रियंका गांधी ने जो शुरुआत की है अपने कैंपेन की आज यहाँ पर, उसमें ये हमारे पीछे गदा भी लगी हुई है और उनको गदा प्रेजेंट भी की गई और पूरे शहर में हर चौराहे में आपके शहर में गदा लगी हुई है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ये चुनाव के लिए ठीक है या गलत है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरीके से भाजपा हिंदुत्व के कार्ड को हमेशा सामने रख के चुनाव में उतरती है, तो हनुमान जी के भक्त होने के कारण वो कहते भी हैं, कमलनाथ बड़े खुल के कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो उनने अपनी भक्ति का एक प्रदर्शन किया है जो राजनीतिक लाभ भी देगा और भक्ति भी पूरी करेगा, तो इस गदा का लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा, काशीनाथ जी, एक हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है मध्य प्रदेश में कि लव जिहाद के मामले मतलब ऑल ऑफ अ सडन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सवाल यह है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप ये लगता रहा है कि वो मुसलमानों को की तुष्टिकरण की नीति अपनाती है और उसका मतलब ये माना जाता है कि वो हिंदूज के खिलाफ है, तो क्या ये जो गदा आई है चुनाव अभियान में प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी के थ्रू, क्या वो जो कांग्रेस के ऊपर अटैक होता था वो कम होगा? हाँ, निश्चित रूप से वो अटैक कम होगा। और जिस तरीके से लव जिहाद के मामलों को इस समय उछाला जा रहा है, जबलपुर में ही एक मामला है जो जबरदस्ती उछाल दिया गया, जनवरी में हुई शादी की का हंगामा जो है जून में किया जा रहा, इससे आप समझ लीजिए कि चुनाव के मद्देनजर ही इनके लिए ये मुद्दा है। या तो आप पैसा देके इनको शांत कर दीजिए पार्टियों को, या फिर आप चुनाव में उनके वोट में मदद कीजिए, यही इनका उद्देश्य रहता है। पंकज भाई, चुनाव के दौरान ही ये सब चीजें हो रही हैं, चाहे वो लव जिहाद के मामले हों और अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को तूल देती है, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ से गदा मार्केट में ला रही है, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि आज की डेट में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, आज के समय में अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि पलड़ा किसका भारी होगा। हाँ, लेकिन इतना सही है कि भाजपा के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। आज जिस तरीके से कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं, इससे कांग्रेस को नई जान मिली है। आज आप जबलपुर में भी अगर आए हैं, तो जबलपुर में अगर प्रियंका गांधी आई है, तो उसने पूरे महाकौशल को एक ही बार में समेटने की पूरी कोशिश की है। और मुझे लगता है जिस तरीके से नर्मदा की जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा की बात करी है, यहाँ के क्रांतिकारी वीर जो गोंडवानाकालीन शासक है उनकी बात कही है, उसके बाद किसानों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, तो सभी जितने भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में प्रियंका गांधी का दौरा जो है ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को नई जान देने में सफल होगा। कांग्रेस पार्टी को नई जान मिलेगी, लेकिन रविंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 1.5-2 महीने से, उससे भी थोड़ा अधिक समय हो गया होगा, कि ये जो लाडली महना योजना है इसके ऊपर बड़ा भारी प्रचार हो रहा है, बहुत सारा खर्चा हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से इन्वेस्टेड एक ही योजना पर है, 8,000 करोड़ रुपए उसके लिए बजट में पहले प्रावधान किया गया है और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पैसा जुटाते जाएंगे और अगर सरकार बनी तो एक स्टेज पे 3,000 रुपये तक की भी उन्होंने बात कही है। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ से कह रही है कि हम 1,500 रुपये देंगे, तो मुझे ये आपसे समझना है कि आपको क्या लगता है कि ये कोई इम्पैक्ट करने वाली है चुनाव में? क्योंकि एक समय था कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने 500 रुपये बेरोजगार युवाओं को दिए थे, लेकिन चुनाव में फायदा तो उसका नहीं मिला था। देखिए, हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें
मैं कल से बात कर रहा हूँ, कल मैंने शिवराज सिंह जी का भाषण भी सुना, उसमें उन्होंने बोला कि हम पहले 1000 रुपये देंगे, फिर 1250 देंगे, फिर 1750 करेंगे और ये 3000 रुपये तक ले जाएंगे। तो ये उन्होंने महिलाओं के बीच में जाकर जैसे अपन फैशन में वॉक करके जाते इस तरीके से वॉक थ्रू करके उन्होंने भाषण दिया और बड़ा अच्छे इंप्रेसिव तरीके से महिलाओं से बातचीत भी की। कई बार उन्होंने नारे भी लगवाए, ताली भी बजवा कर उन्होंने उसका रिएक्शन देखने की कोशिश की, उन्होंने महिलाओं के चेहरे भी पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा उलट मामला मैं सोचता हूँ, कल भी ये बात मैं सबसे कह रहा था कि देखिए हमको ये पहले देखना पड़ेगा कि ये जो भीड़ आई है या लाई गई है या तमाम लोग हैं या जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो पहले से कितने भारतीय जनता पार्टी के वोटर, ये सबसे पहली बड़ी बात है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नाराज था जो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा था, तो क्या उसे रोकने की कवायद है? या तीसरा सबसे अहम सवाल है, क्या कांग्रेस का वोटर भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना चाहिए कि महिला वोटरों को कौन सी योजना बाती। मैं आज ही अपने घर में काम करने वाली बाई से पूछ रहा था, वो 500 रुपये के सिलेंडर की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि बिजली का बिल आधा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम और भी महिलाओं से जब हम इसमें बात करेंगे, कांग्रेस की आज 5 पॉइंट पर छपे हुए हैं, इन सब बातों को जब जनता के बीच में जाएगा और बहस होगी तब हमको समझ में आएगा कि तराजू का पल्ला किस ओर झुक रहा है। मैं काशी भाई आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन पहले धीरज आपसे हम ये जानने की कोशिश कर लें पहले कि ये जो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है वो जबलपुर से दोनों राजनीतिक दलों ने की है, तो आफ्टर ऑल जबलपुर की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है? आप यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको क्या लगता है कि जबलपुर का ऐसा क्या विशेष महत्व है, क्यों दोनों पार्टीज ने इतना ज्यादा फोकस यहाँ जबलपुर पे किया है? जबलपुर महाकौशल संभाग का ये मुख्यालय है, मुख्यालय होने के कारण यहाँ से जो बात जाती है पूरे महाकौशल बेल्ट में जाती है और महाकौशल में टोटल 36 सीटें आती है, जो 13 में 24 सीटें बीजेपी के पास थी और 13 कांग्रेस के पास थी, वही 18 में 24 कांग्रेस के पास जाती और 13 बीजेपी के पास जाती। तो ये देखा गया है जिसके को भी यहाँ ने सत्ता में बैठना है तो महाकौशल जीतना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने भी नर्मदा आरती करी 18 में जब शुरुआत की थी, तो राहुल गांधी 16 जिले आते हैं मध्य प्रदेश में जिसमें बीजेपी नर्मदा जी बहती हैं, तो नर्मदा जी से लगाव लोगों का, धार्मिक आस्था, हिंदुत्व दिखाना, ये प्रियंका गांधी ने की। और प्रियंका गांधी जब यहाँ पे आई तो 20 जिलों में आदिवासी है, तो उनने गोंडवाना काल की रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दे के आदिवासी वोटरों को साधना चाह। वहीं आदि आबादी सीएम शिवराज जी ने महाकौशल से महिलाओं को दी कि भाई हम आपको 1000 रुपये तो दे रहे हैं, आगे 3000 भी देंगे। तो टोटल महाकौशल के पूरे 36 सीटों में अपने पक्ष में करना, यह एक मुख्य काम। महाकौशल की टोटल सीटों को इंपैक्ट करने के लिए इस तरह का ये यहाँ पे किया गया आयोजन दोनों ही पार्टी द्वारा। काशी जी ये बताइए कि ये तो चलता ही रहेगा, अभी बीजेपी ने कहा कि 1000 रुपये देंगे, कमलनाथ जी ने कहा 1500 देंगे, फिर बीजेपी ने कहा कि हम तो 3000 देंगे, अभी कमलनाथ जी ने उससे अभी बढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये और बढ़ेगा, कहाँ तक ये बात पहुँचेगी और क्या इसका चुनाव में कोई इम्पैक्ट होगा क्या? क्योंकि ये तो फैक्ट है, जैसे रविंद्र भाई भी बता रहे थे कि ये समय लगेगा थोड़ा समझने में कि किसका किस तरफ पलड़ा जा रहा है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जैसा रविंद्र भाई ने कहा कि अभी हमको जनता के बीच में भी टटोलना पड़ेगा, लेकिन एक उम्मीद नाम की जो चीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो बहुत सारी अपेक्षाओं की पूर्ति कर देती है। अगर किसी को उम्मीद है कि मुझे 1500 मिलेंगे, तो अगर कांग्रेस आएगी तो 1500 मिलेंगे, शिवराज तो कह रहे हैं कि 3000 दे देंगे, 3000 क्रम में देंगे, वो बोल रहे हैं क्रम में देंगे, और 250 कब बढ़ाओगे, अभी तो तुम 1000 ही दे रहे हो ना, जब वो कह रहे हैं कि जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा 1500 देंगे और 500 का सिलेंडर देंगे, उसके अलावा तुम्हारा बिजली का बिल हाफ कर देंगे, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना। ये बड़ी उम्मीद है, बड़ा सपना जो दिखाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, बड़ा सपना जो दिखाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दिखाए जा रहे हैं कि कौन कितना देगा, फ्रीबीज जिसको कह रहे हैं, रेवड़ियां जिसको प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा है। आप यहाँ इतने समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ क्या स्थिति है हेल्थ की, क्या स्थिति है एजुकेशन की, और क्या जनता खुश है कि सिर्फ 1000 रुपये, 1500 रुपये और 500 रुपये में सिलेंडर मिल जाए वो काफी है? देखिए जितनी भी पार्टियां चुनाव के समय ये रेवड़ियां की मुफ्त की जो रेवड़ी बांटेगी, एक दूसरे पे आरोप लगाएगी कि ये गलत है, ये रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब समय आता तो वो भी बांटती है, ये एक सब्जबाग है जो हर पार्टी दिखाती है। जबलपुर के और उसके आसपास की अगर हम बात करें तो अभी अगर हम कहें तो मेडिकल फैसिलिटी
पिछले के समय के तुलना में अभी ठीक ठाक कही जा सकती है। पूरी पूरी इसलिए नहीं कह सकते कि काम करना भी। पंकज भाई, आपके जबलपुर में ही हॉस्पिटल के अंदर लोग जिंदा जलकर मर गए थे, उसकी कोई सवाल की कोई बात नहीं करता जी? उसकी कोई इसलिए बात नहीं करता कि उसका जनता से सीधा जवाब नहीं है। जो जिनकी डेथ हुई है वो अलग है, जिनका हॉस्पिटल वो अलग है। जनता को अब तो 5 मिनट नूडल्स वाली बात करना है, उनको उनको त्वरित जितना सहायता मिल जाए वो उस पर डिपेंड करती है। और यही कारण है कि चुनाव आते आते जो सब्जी बाग ज्यादा दिखाएगा वही सफल होगा। इंस्टेंट कॉफी का जमाना है, नूडल्स बता रहे थे पंकज भाई, लेकिन अब एक पूरी चर्चा को प्रियंका गांधी की तो और भी ले जाते हैं थोड़ा सा। ये क्योंकि आप सभी लोग यहाँ जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और आप लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की भी सभा कल देखी और आज प्रियंका जी की भी देखी, आप तो पूरे प्रदेश में भी आप भी पूरे प्रदेश में सभाओं को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे बताइए रविंद्र भाई सबसे पहले कि क्या फर्क है शिवराज जी की सभा में और प्रियंका गांधी की सभा में? इसका तो आंकलन किया जा सकता है कि किसकी बेहतर थी, किसका रिस्पांस बेहतर था, किसका कम था, किसका ज्यादा था? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह के साथ पूरा सरकारी हमला लगा रहता है, पूरे प्रशासन के पटवारी आरआई से लेकर तमाम जो जो रेवेन्यू के लोग हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, वो तमाम लोग भीड़ बटोरने का काम कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कल बहुत बड़ा कैडर वहाँ नहीं दिख रहा था, जहाँ हम लोग बैठे थे कल पत्रकारों की गैलरी थी, वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े नेता गायब थे, नजर आ रहे थे, जो लोग मंच पर बैठे थे वही सामने दिख रहे थे। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ उसमें काम नहीं किया है। देखिए जो सरकारी भीड़ है वो अधिकारी लेकर आ रहा है, कर्मचारी लेकर आ रहा है, सरकारी उसमें हमला लगा हुआ था, बसें लगी हुई थी। वहीं कांग्रेस ने भी भीड़ लाने का काम किया, लेकिन वहां उसका संगठन का आदमी दिख रहा था, एक एक आदमी दिख रहा था। देखिए जब कमलनाथ भाषण दे रहे थे और उनके ठीक बाद प्रियंका गांधी को बोलना था, उस समय भी 100-150 लोगों की भीड़ के जत्थे की भीड़ झंडे और उस बड़े उत्साह से नारे लगाते हुए आम सभा स्थल पर पहुंच रही थी। देखिए प्रियंका गांधी को सिर्फ वहां पर पूजन करना था, लेकिन वहां 10,000 की भीड़ पहले से रखी थी, 10,000 महिलाओं का एक पहले से तैयारी करके रखी थी, कम से कम 8 से 10,000 महिलाएं ग्वारी घाट में भी मौजूद थी। तो हमको ये सब देखना पड़ेगा कि कहां से किस तरीके से भीड़ आ रही है, और इसका आकलन इसी तरीके से किया जा सकता है कि जो सरकारी भीड़ है उसका क्या नजरिया हो सकता है। देखिए शिवराजी नारे लगा रहे थे, लगवाते थे, महिलाएं बढ़िया नारे लगाती थी, ताले बजाती थी, लेकिन जब भाषण खत्म का दौर आने लगा, जब शिवराजी वापस कुछ शिलान्यास करने के लिए पहुंच गए, तो मंच खाली, पीछे का पंडाल खाली हो चुका था, लोग निकल चुके थे। वो तो 20 साल से बोर्डम भी कहा जा सकता है, 20 साल से लगातार वही चीजें हो रही है। बड़ा सवाल ये है, एक हम कह रहे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो उनसे बात करिए, व्यापारियों से बात करिए, तो एक बात बड़ा कह रहा है कि साहब इन सब योजनाओं के लिए पैसा आएगा कहाँ से? बीजेपी भी कुछ देना चाहती है, कांग्रेस कुछ देना चाहती है, अभी 8,000 करोड़ का घोषणा शिवराज जी कर रहे हैं, और मान कीजिए कमलनाथ जी 16,000 करोड़ की घोषणाएं कर देंगे, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? लिया तो हम भी जब जनता से आएगा, मध्यम वर्गीय लोगों से लिया जाएगा, तो यह भी सवाल मध्यम वर्गीय जो मतदाता उसके अंदर कौन रहा है। देखिए जबलपुर में लगभग 18 लाख मतदाता और उसमें से 3,63,000 महिलाएं ही इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं, तो मेरा मानना है कि अभी बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रही, और वो कितना वोट करने जाएगी ये समय बताएगा, और हमको उसका इंतजार करना चाहिए, समय बताएगा। लेकिन जैसे रविंद्र भाई की बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि अगर जिस तरीके से इन्होंने बताई है बात कि थोड़ा सा पलड़ा कांग्रेस पार्टी का, जहां तक शिवराज वर्सेस प्रियंका की अगर रैली को हम देखें तो दिख रहा है, आप क्या इस बात से सहमत हैं? ये बात तो ठीक है, क्योंकि प्रदेश में शिवराज की टक्कर का कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रियंका को लाया कि प्रियंका जी आए और वो उसको रैली को करें। अब देखना यह है कि उनके जो मामा की छवि के ऊपर प्रियंका बहन की छवि कितनी भारी पड़ती है। लेकिन शिवराज की टक्कर का कोई नेता ऐसा तो नहीं, कमलनाथ जी भी तो उसी टक्कर, क्या उनसे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे? राष्ट्रीय स्तर के नेता तो है, पर प्रदेश की जनता से लगाव जो बोला जाता है वो बातें करते हैं, पर कनेक्टिंग नहीं है उनका। ये जो कनेक्टिंग आत्मीयता जो होती है वो अभी ऐसा दिख नहीं रही है कि कमलनाथ की आत्मीयता है। अच्छा अच्छा, ये धीरज कह रहे हैं कि कमलनाथ का उस तरह का कनेक्ट नहीं है। आप तो जिस दिन बालाघाट में कमलनाथ की रैली थी उस दिन हमारी आपसे बात हुई थी, क्या आप इस आर्गुमेंट से मानते हैं इस बात को? देखिए हर आदमी का अपना नजरिया और तजुर्बा होता है। मैं बालाघाट भी गया कमलनाथ की सभा में, शिवराज जी की सभा में था, आज प्रियंका की सभा है, इसके पहले भी जो कमलनाथ जी की आम सभा हुई थी उसमें भी मैं गया था। तो मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जनता अब निकल रही है। अगर पब्लिक निकल रही है तो फिर वो बड़ा खतरनाक है। तो पब्लिक तो मतलब 18 साल की या 20 साल की शिवराज की सरकार है उसके खिलाफ निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बदलाव की बात भी चल रही है और जनता जिस तरीके से मूव कर रही है उसके संकेत बड़े खतरनाक हैं राजनीति में। क्या संकेत थोड़ा सा हमें बताइए। संकेत बदलने के ही हैं। मैं तो
लोग छुपाते हैं बात को या बोलने में हिचकते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि बदलाव का संकेत आना शुरू हो गया है जनता के बीच से। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 150 सीटें जीत के लाएंगे तो उसमें दम दिख रहा है? हाँ, दम है उस बात में। तो दम दिख रहा है, जैसे काशी भाई भी बता रहे हैं कि दम है, लेकिन मेरा फाइनल सवाल आपसे है, तमाम बातें हो रही हैं, प्रियंका गांधी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान की भी बातें हो रही हैं, क्या ये लाडली लक्ष्मी योजना प्लस जो कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि वो एक नई योजना लाएंगे, महिला सम्मान योजना लाएंगे, क्या आपको लगता है ये जो तमाम प्रोमिसेस किए जा रहे हैं ये पोटेंशियल है इन पॉलिटिकल पार्टीज में उनको पूरा करने के लिए? देखिए, अब मजबूरी है कि ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब जवाब जैसे आज प्रियंका गांधी ने बोला है कि हमने गारंटी दी थी, हमने कर्नाटक में करके दिया था, तो अब ये जवाबदेही भाजपा की भी होगी कि वो जो बोल रही है वो करना पड़ेगा। और अब तो मैनिफेस्टो सामने आ जाएगा, जमाना अब हाथ में है सबके, मैनिफेस्टो सबके हाथ में रहेगा, उन्हें देखेंगे कि कौन कितने मैनिफेस्टो में उसने घोषणाएं की थी, कितने उन्होंने पूरी करी थी। लेकिन मैं हेमंत जी आपको बताना चाहूँगा, जो भीड़ है, मुझे लगता है कि भीड़ अब कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि भीड़ लाई जाती है। अब यहाँ पे चार चार विधायक हैं, महापौर है, प्रियंका जी की सभा में भीड़ भी आ सकती है पंकज भाई, लेकिन 12 बजे भरी दोपहरी में भीड़ लाई गई, भीड़ वापस चली जाती है, आज रुकी हुई थी, माना जा सकता है। लेकिन ये जो भीड़ है वोटों में कितनी तब्दील होती है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल पहले राउंड में ऐसा लग रहा है, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जबलपुर के हमारे साथ मौजूद है उनकी बातों से, कि पहला राउंड कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, समय बदलाव का नजर आ रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, अभी तो चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर भी नहीं किए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि दोनों ही दलों ने अपना चुनाव अभियान मध्य प्रदेश की संस्कार की राजधानी जबलपुर से शुरू किया है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।